तमिलु बताओ, बाबा जी ने जो बात बताई वो सारी सही बताई। सही है, बिल्कुल सच बताई है बुढ़िया। हाँ सही बताई, बिल्कुल। हाँ लोगों की न्यूज़ इतनी साल तक तकलीफ से। हाँ सही बताई, जो भी पारिवारिक बात बताई है बिल्कुल सच बताई। सच्ची है जी, बिल्कुल। दो चार बात तो झूठी होंगी। ना ना, एक भी झूठी करना सच्ची को होगी। हाँ सर, ना झूठ क्यों बोल रहे थे माँ का नेम है। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो काफी साल से समस्या है आपको। घने दिन तो है जी। देखते हैं अगली बार मिलाएंगे आप, ठीक हो गए आओगे। ठीक है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम बड़ौता धाम में बाबा भोलेनाथ के शरण में। और भाई आज है शुक्रवार, पूछा देखी जाती है, और आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी क्योंकि दो तीन वीडियो में डाल चुका हूं मैं कि अब फ़ोन के ऊपर नंबर नहीं लगते हैं। यहाँ पर जो आता है मंगलवार को आएं और अपना नंबर लिखवाएं। जितने 200 नंबर पूरे हो जाएंगे तो चार दिन में 200 ही बंदे लिए जाएंगे, 200 से ऊपर नहीं लिए जाएंगे। 200 यदि मंगलवार को हो गए तो फिर अन्य दिन न आएँ। और ये बात आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई 200 हो गए के पूरे, क्योंकि जो फ़ोन पे बड़ी सुविधा दे रखी थी भाई, फ़ोन पे 100 रुपये पेड करो आप, आपका नंबर लग गया, आराम से आओ, महीने बाद में नंबर आओ जब भी। दिल्ली का किराया नहीं लगता, दुख नहीं पाना पड़ा करता। लेकिन लोग ने कहा करते फ़ोन पे को निकलनी आवा हमने बेरा को नहीं, फिर भी अड़ा जाया करते। जिनके नंबर होते बीच में आके पंगे कराया करते भाई मेरा नंबर लगा, तो अब आ जाओ भाई, धक्का मुक्की रहो, खूब छिक्की 100 उठाटते हैं, दाल रोटी खाओ, दो चार दिन की छुट्टी लेके आओ घर तक, इन्हें में खुश रहो तुम। अच्छा जो काम होता है ना, जो करवाते हैं हम, कह के करवाया था भाई ऑनलाइन कर दो, दो लोग दुख न पाओ। लेकिन आप वीडियो पूरी नहीं देखते, वीडियो में क्या बता रखा है ये नहीं देखते, किसका नंबर दे रखा है, पीछे क्या लिख रखा है ये नहीं देखते। हम हर चीज़ वीडियो में बताते हैं, फिर भी आप फोन करते हैं और पूछना वही होता है जो फोन में बता रखा है। तो इसलिए हाथ पैर जोड़ की प्रार्थना, आप तंग ना करया करो फोन करके। आपको आना हो तो वीडियो में बता रखा है, पूछते वो बढ़िया है या वो बढ़िया है, मेरे लिए सभी बढ़िया हैं, वो आप देखें कहाँ जाना है। और भाई मैं हर बार की तरह कहता हूँ, यदि कोई घर से छुप के आ रहा हो, सासू तो लुकी आ रही हो या सासू बहू तो लुकी आ रही हो, सो लफड़े हुआ करें भाई, वो अपने आप कह तो डाठा मार लो नहीं, एक तरफ बैठ सको। मेरे को बाद में नाना कह दी हमारा गरीब आंगड़ बज गया, ऐसा कहता हूँ। किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी भी प्रांगण में, किसी भी सत्संग में जाते हो, घर पे बता के जाएं, कह के जाएं, अन्यथा मत जाएं। छुप के कहीं नहीं जाना चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए घर से, क्योंकि आपको दुख है इतना और घर वालों को भी होता है, तो इसलिए चोरी से ना आए, कहीं भी ना जाएं। हमारा तो काम करने है, बाकी काम तुम्हारा है भाई। दूसरी बात, जो हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते भाई, कोई गारंटी नहीं लेते हम किसी चीज़ की, जो जनता बताती है वो चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। सच बताने की कोशिश ये रहती है हमारी कि पूरा सच आप तक पहुंचे। न हम बाबा की मानते हैं, न हम घर से खुद कहते हैं, जो जनता कहती, जनता जनार्दन झूठ नहीं बोलती। किस किस के संकट दूर होते हैं, पूछा सही बताते हैं या झूठ बोलते हैं, पाखंड है, प्रोपगंडा है, पैसे लेते हैं नहीं लेते हैं, ये हम सभी जनता से पूछते हैं। यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये पर्ची काटी जाती है, पूछा कि 200 रुपये है भाई, पर्ची बढ़ा दी पूछा वाली, पूछा कि 200 रुपये है, बाकी की 100 रुपये है। हाँ बाकी झाड़ा और जो तीन दिन बच गए हैं, शुक्र शनिवार एतवार और सोमवार को 100 रुपये की है। कितने भी लोग आ सकते हैं शनिवार और एतवार और सोमवार को, शनिवार को झाड़ा लगता है, एतवार को भूत प्रेत ऐसी बाधाएँ जो होती हैं उनके बारे में, सोमवार को उन माताओं बहनों के लिए होता है जिनको संतान नहीं है, किसी भी कारण से कोई संतान नहीं है, तो ऐसी कोई समस्या है तो वो सोमवार को ही आए। ले भाई एक भाई बैठा है, बात कर लें इतने। राम राम भाई। राम राम जी। कहाँ से हैं? नीमली से जी। नीमली से, नीमली से, अच्छा 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 अच्छा। तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? हाँ दो बार आ लिया जी। दो बार आ लिए, तो क्या पुच्छा दिखाना आए थे या फिर झाड़ा जुड़ा लुवाना आए थे? एक बार पुच्छा कराना आया था, दोबारा प्रसाद लेना आया था। पूछा बताएगी कि मैं बाबन? बिल्कुल जी, अपना जो अपना काम धाम का बारे में अपने पूछनी थी अपन है, अपने बिल्कुल बढ़िया बताए जी,
सुथरा काम है जी आज के दिन पर। अच्छा बिल्कुल बतावी दीर काम भी कर दिया आपका। बिल्कुल जी बढ़िया काम चल रहा है। बिल्कुल संतुष्ट है जी आज आप। अच्छा बिल्कुल रिश्तेदार तो नहीं है बाबा ना जी अपना कोई रिश्तेदार नहीं हो रहा है। बिल्कुल नीमली भी रोड बागी भी रोड दादरी के पास। दादरी के पास। अच्छा 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 तो जो बातें बताता है सच बताता है। बिल्कुल जी। अच्छा इतना काम सही चलने लग गया। बढ़िया चल रहा है जी। फिर बब्बन रुपये कितने मांगे? बब्बन कुछ नहीं मांगा जी अपना पास तक। ना 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 कदी एक रुपया ही नहीं जी। आज तक ही बता दी। बता दी ना जो एक रुपया नहीं मांगे नहीं लेता कुछ भी अपना तरफ कुछ नहीं। अच्छा तो नाम क्या है आपका? सोमवीर कुमार जी। सोमवीर तो देखिए भाई हम तो आप जैसे लोगों से भाइयों से पूछते हैं जो भी बातें होती इस भाई का भाई एक बार मानते हैं देख लो पूछा भी सही बता दे इसका काम नहीं चला करता। बढ़िया काम चल पड़ा बिजनेस बढ़िया चल पड़ा। बढ़िया जी। तो आप कहाँ से हैं जी? सुल्तानपुर डबास दिल्ली। दिल्ली सुल्तानपुरी से? सुल्तानपुर डबास। डबास पहली बार आए हैं आप? दूसरी बार आए हैं। पहले भी कब आए थे? पहले संडे को आए थे। संडे को आए थे। अच्छा अच्छा तो मैं आज पूछा दिखाना है। आज पूछा दे। संडे को किसी समस्या थी कोई और? मेरा छोटा बेटा जो है वो भी गद्दी लगाता है तो उसमें परेशानी आ रही थी। अच्छा गद्दी लगाता है कितने दिन से लगाता है वो? कई साल से। कई साल से तो उसमें दिक्कत आ रही थी उसमें आज भी आ रहेगा आपका बेटा? हाँ चलो मिलना चाहेंगे उससे भी। चार पाँच बार आई हूँ। चार पाँच बार आ चुके? हाँ जी। काम नहीं बना चार पाँच बार आने? नहीं बन गया काम। और काम बन गया तभी तो भाभी को बताया है। भाभी को बताया है और काम के लिए भी आते ही हैं जब पता लगता है तो। अच्छा क्या कोई ऐसा काम जो बता सकते हैं मेरे दर्शकों को? बेटी की समस्या थी 9-10 महीने में गई है बेटी। बाबा ने कही मैं भी भेजूंगा। हाँ चली गई। क्या बात है बहुत बढ़िया। जो समाधान तो भाई बहुत जरूरी। जस से लेने आया और वो गई जस से। अच्छा हाँ जी। बाबा ने कहा भाई जिस से लेने आएगा जिस से जाएगी? हाँ जी। कहा वो पूरा हो गया? हाँ जी पूरा हो गया जैसे बोले जैसे। अच्छा हाँ जी। आप साथ ही हैं क्या? अच्छा तो बाबा जी आप देखिए भाई औरतन तो के बेरा बुलाए भी दे बाबा। आप पढ़े लिखे हो आप भी बुलाए मान गए कि बाबन कह दीवाओगे? ना ऐसे कुछ नहीं है। सच्ची बात है? सच्ची बात है। अच्छा तो पहले एक बार आए दो बार आए कितनी बार आए? होटल से हमारे जीजा जाते थे पहले। अच्छा अच्छा तो उन्हीं के साथ आए थे एक बार। अच्छा। हो गए 8-10 साल हो गए उन बातों को। अच्छा अच्छा तो तब से हम जब भी कोई समस्या है तो आ जाते हो आप? जब वो हल हो जाती है वो हल हो जाती सारी। तो यहाँ पर समस्या हल करवाने के लिए कुछ देना पड़े चढ़ाना पड़े कुछ? मैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ सच्चे मन से और हो सच्चे मन से। हम तो जब भी आते थे जब बाबा कुछ नहीं लेते थे। अच्छा अब तो ये बिजली पानी का कैसे भी कुछ भी है बाबा कहाँ से भरेंगे वो पड़े? बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़। आप सर कहाँ से हैं? इनके साथ। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आप भाई साहब किस तरह थम्बी गला दिए बैठे टल्ली के हो टल्ली कहाँ से हैं? रोहतक से। रोहतक पहली बार आई? मैं 3-4 बार आ ली। क्या समस्या बताओगे? कोई समस्या नहीं कर भी दी मिलने आ जाऊँ। बाबत पुरानी यारी है? ना पुरानी यारी कुछ नहीं बस यूट्यूब पर देखा था मतलब मिलाते हैं बाबा ठीक लगे ठीक आ जाओ। अच्छे बाबा जी बढ़िया बाबा जी तो अच्छे हैं। बाबा जी तो बिल्कुल मतलब ऐसा साधारण आदमी है लेकिन काम धाम भी की मतलब ठीक है। ठीक है तो बताओ ठीक है। फंड दे तो नहीं बताते? ना ना फंड पाखंड मत नहीं डालते ना ये इच्छा होता बताओ। हाँ सही बात है बिल्कुल ये बात सही दिल मानने का तो नहीं इतना टाइम किस पर दिल मानता है तभी तो आते हैं लोग ऐसे कोई नहीं आएगा। ताई आप कहाँ से हैं? अच्छा आपके साथ है? अच्छा चलो बहुत कालका माई हिंदू में है। ये कुरान भी पढ़ता था कलमा बोलता था और ये इसमें मुसलमानी चौकी खेलती थी। और ये चढ़ाया सुनो एक भगत ने सुनो सुनो ये चढ़ाया और चेतारा वो पीर बाबा वो बोलता था इसमें और पीर भी 3-4 बोले देख भी नहीं बोला थे ना जुमने के एक लफ्ज में इसका जो यू कलमा पढ़ा था और जो बोला था और जो मेरे से सवाल करा था मैंने एक ही सवाल बोला था इससे मगर ये बता दो के बताया फिर मैं कैसे मान लूँगा जो पीर बाबा है वो तो आपने पता है ना हमें तो नहीं पता हमारे लिए तो कुछ भी बोल दो फिर बोल दे तो पक्की है तू तीनों का बाबा जिसके हाथ लगाता है राम भी होता है सारे काम होते हैं समझिए गद्दी लगाता है ये फिर गद्दी लगाता है तो शुद्ध करो ना इसने जो उस प्रंथ में बड़ो हो तो कल का कुल का छोड़ दो वो रास्ता बताओ ना गुरु जी भैया तो आपके पास आए हैं मेरी सुनो वो रास्ता आओ सर माथे पे हो भाई हो मैं तो इतनी राय दे दूंगा लाइन लगा दूंगा लाइन में आ जाओ ओनू नहीं इसमें
राम भी देता था, यू काम भी करता था, गद्दी भी लगाता था, आराम भी होता, यानी उड़ो फंस गया ना। वो क्या चीज़ थी जो पीर बाबा बोल रहा था, पीर बाबा हूँ मैं, सैयद हूँ मैं, हैं तो वो कलमा पढ़ा था, वहाँ कलमा सुनाओ, बिना आया तो नहीं, अरना बोलिया क्या बोलिया है उस दिन के बाद जो दुखी होता इतना वह कम है बेटा ना, दुखी था कौन, सही है, हाँ ठीक है, सही है ना, हाँ। वो जो अफड़ का तीजार दिवाई भी आवाग नहीं, ना ना नहीं आंदी ना, ये ज़्यादा चार चार घंटे ना शरीर इतना खड़ा होना पड़ा है ना, जब दर्शन देगा देगा तो उसकी मर्जी है ना, ना सही मन उन्होंने कहना मेरे माँ मेरे में कुछ नहीं आंदा, मैं नहीं वो बैठे हूँ, जो कुछ बैठे हूँ, जब उसने नहीं होता आज भी नहीं हूँ, जो भी करना है तो दिल खोल कर करो, अरनाथ बेटे हाथ जोड़ो, रोटी खाओ, मौज लो और काम करो, सही बात, आप समझ के बताओ कैसे करना है, करना है करना है, हाँ। मतलब फिर उसको पहले चिराग लगा, ठीक है, आपने बताई थी पिछले बार, बताए थे ना, हाँ। लगा रहा है, कल वीरवार से लगाया क्यों नहीं, बोला साहब से लिख कर दिया था, रुको ना, लिख कर ना दिया, वैसे बताई थी मुझे बनी कैसे, चलो फिर लिखवा दूंगा, लिख कर दे दूंगा, पर पीर बाबा भी तेरे तीन हैं, तीन का नाम ले है, एक तो भूरे खां है, हाँ। अरे एक काले खां है, एक ही सुल्तान पीर कौन है, सुल्तान पीर कौन है, फिर सुल्तान की जगह कौन बोला, फिर सुल्तानपुर खेड़े की बोलते हो, सुल्तानपुर खेड़ा ही तो हो गया, सुल्तानपुर तो हो गया, मैं सुल्तान कौन आई हूँ, दुराली वाला, ये उड़ा पीर बाबा है, इसका एक मीठा पान प्रसाद दो अगरबत्ती और लीले चादर चढ़ा, एक सेकंड ये चढ़ा तरह आए वीर, ठीक है, पर ध्यान तर ये जिस टाइम इसकी पूजा बैठे मतलब तू बच्चा बैठे, हाँ। और ध्यान बनना चाहिए, ठीक है, एक ही दिन वीरवार के दिन, और दुर्गा काली का माँ शमशान में जा रहा तू, हाँ केलन जा रहा है, उनने गुरु ने बताई थी मेरे तो उन्होंने बताया गोबर खाने जा रहा हूं के इधर आवड़े बेजे जो स्टार्टिंग में थोड़ी कर पाया था, छोटा सा था 8वीं क्लास में था, जब पहली बारी आए उड़े बिठा दिया था उन्होंने, हैं 8वीं क्लास में था जब मैं उड़े बिठा दिया था उन्होंने, उन्होंने शमशान में बिठा दिया था, हां वहां शमशान वाली दे दी इस थे कल का, उड़े जीव भी चढ़ाए ना, पेड़े भी चढ़ाए हैं, जो भी कर्म करे ना करे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला, दुख तसवा कुछ नहीं मिला, कुछ ना करे तू, पानी का गिलास भी ना दिया, मैं बैठा हूँ जा, जब भी तो आपके पास आए हैं, ये देखा था ये सारा देश आ मेरे द्वारा, आज तेरी 50 साल तो बैठा हूँ मैं, मनियों का सबका मालिक एक है, और कुछ भी खा ले आड़ा तला जाती गोबर मना है, स्वाद बैठ दो ऊपर है, चाहे अपनी नींद डबोलो, चाहे भजन कर लो, चाहे गीता गा लो, चाहे प्रभु का नाम ले लो, लिकड़ नाड़े दे है, और इसका बेटे ध्यान तो सुन, आगे जब भक्ति चावे अतर तेरे माँ बाप भी आ रहे हैं और आपके बच्चे भी यहीं हैं, ध्यान तो जो आपकी पत्नी है उसको भी पानी धरती मरना पड़ेगा, तू तो सही से उसने भी ये सोचना पड़ेगा, ये सच्चाई के ऊपर है और झूठ नहीं बोलने चाहिए, और भगवान का नाम लेना है, सबका मालिक एक है, किसी का भला करते हो तो करियो, और रुपये मत लियो मेरे भाई, रुपये छुट्टी के लिए हैं, तेरे पे भी ले रखे हैं, ले रखे हैं, कितने लिए थे बताए ना जी, कितने हो गए, कितने अंदाजा, कई लाख रुपए तड़े हो रहे हैं, कई लाख, हाँ भक्त ने कर दिया काम, बाण जान में बत्ती हो गए गुरु जी, कि तो राजस्थान में लेके जाए, कि तो यूपी में, कि तो जब बताते ना था, अब तो यूट्यूब पे देखा था, एक दिन दो फारी में लौट रहा था, देखा जब आया मैं, हाँ वो इनने का इंटरव्यू था उस दिन, उसी दिन देखा था जब आए थे, फिर पवित्र करो, मैं कहता हूँ भक्ति करो तो पवित्र करो, पवित्र का मतलब शुद्ध करो, शुद्ध कर कर किसी का मत जीव काटो, कई शमशान में किसी डोबरे ढाबरे मत दो, ये परमात्मा का ध्यान धरो, सबका मालिक एक है, ये किसी शमशान में जाना कि ये जीव काटना, अपना बाल काट के देखने कितना दर्द होगा, और उसने तुम खा जाओ, और माता आगे माता आओ, हम इकड़ा हुआ जीव काटे खड़ी हो जाए, कौन सी माता हुआ,
ध्यान दे सुन, जो के भी है देवी माता ये मारियत बनाई उड़े हैं और अम्मा धोखे हैं और अम्मा खा हैं, यही टला दे हैं, माता बना दी, धोख मार दी, लड्डू चढ़ा दिए, बर्फ़ चढ़ा दिए, वो खा जाए हैं, वो कुत्ता खा भी जाए, इसमें टांग ठाक मूत भी जाए, माता उनका डोका ना मर दी और थारा लठ बढ़ा दे दिया। मैं तो गुरु जी उससे कही थी ये बात, वो खुद भी दे है ठीक है, मैं ना दूँ, उन्होंने बोला नहीं तंग रहेगा तो अब क्या कुछ नहीं रहे, मैं खोलूँगा एतवार न परसों लिया, हाँ जो गुरु सुन लिया था ना उसी दिन लिया, खोल के ना मीठे पिला दो, मीठा दे जाइए ठीक से। भी बात है कि ये पूरी पूरी रात कहाँ रहे, आड़े दाने के बाद कितना बार रहा है, नहीं है मैं सर्दियों की भी बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद तो बार नहीं, मेरा लड़का है